किया, ये देखो कितनी मस्त है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर बैठने ऊपर आई हूँ। यार मैं आप सबको क्या बताऊँ, मेरी जो ये न्यू गेमिंग चेयर है ना, ये इतनी कंफर्टेबल है, बहुत सही लग रहा है इस पे बैठने के लिए। और ये देखो, ये नहीं मेरी पुरानी वाली गेमिंग चेयर। तो मेरी ये जो पुरानी वाली गेमिंग चेयर है ना, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। ऐसे नहीं है कि अभी मुझे नई गेमिंग चेयर मिल गई है तो मैं अपनी पुरानी वाली गेमिंग चेयर पे नहीं बैठूंगी, मैं इसको भी यूज करूंगी। और मेरी न्यू वाली गेमिंग चेयर तो है ही है। यार पता है आप सबको, मुझे ना न्यू वाली गेमिंग चेयर में ना सबसे ज्यादा यही पसंद आया, ये हेडबैंड। बताओ तो क्यूट है ना। चलो इसको वापस है ना ये गेमिंग चेयर में से लगा के रखती हूँ। यार आप सबको तो पता ही है कि मैंने पापा से है ना एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट में मांगा था, लेकिन पापा ने ना मुझे गेमिंग चेयर गिफ्ट कर दी। अब पता नहीं मुझे एप्पल का लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या यार मुझे है ना एप्पल का लैपटॉप है ना, मैंने जब देखा था ना तभी बहुत पसंद आया था। और हाँ यार, उसमें कैसे एडिटिंग फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे, एडिटिंग भी अच्छी होगी और मेरे वीडियोस के लिए अच्छा रहेगा ना वो लैपटॉप, इसीलिए मैंने ना वो सोच समझ के वो गिफ्ट बोला था कि मुझे ना एप्पल का लैपटॉप ही चाहिए। और हाँ यार, कैसे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास सबके पास एप्पल का ही लैपटॉप है और उसमें ना एडिटिंग बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए मुझे है ना ऐसे लग रहा था कि है ना मेरे पास भी एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेरा पुराना वाला लैपटॉप है ना, ये अभी इसको भी है ना 3 से 4 साल हो गए मैं यही लैपटॉप यूज कर रही हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप है, तो मुझे है ना एप्पल का लैपटॉप चाहिए था। तो अब क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ कि मुझे है ना लैपटॉप दिला के दे दो। बाय बाय दोनों गेमिंग चेयर, आती हूँ मैं थोड़ी देर से। मम्मी, बात करनी है। क्या हुआ? तो देखेंगे, अगर उन्होंने ले लिया तो अपन ले लेंगे, अपन ने उनकी परमिशन तो मांगी है, अगर उनका नहीं हो पाया तो हम ले लेंगे खुद अगले माह। हाँ तो हम खुद ले सकते हैं ना, मैं बस पापा की परमिशन ले रही थी, अगर उन्होंने नहीं लेके दिया तो हम दोनों ले लेंगे अगले महीने। ठीक है चलेगा। एक महीना वेट करा। हाँ अगर पापा ने नहीं दिलवाया तो अपन खुद ले लेते। चलो यार, मम्मी जो कह रही है वो भी तो ठीक ही है ना, पापा की परमिशन लेना भी तो जरूरी है ना। अगर नहीं हो पाया तो मम्मी ने बोला है कि एक महीना वेट कर, फिर अगले महीने मम्मी मुझे दिला के देगी एप्पल का लैपटॉप। मम्मी ये देखो, नहीं मेरा कवर खराब हो गया, इसके जो साइड के बटन होते हैं ना वही निकल गए। अरे काम चोरो, बैठे रहो दिन भर, और क्या काम है तुमको, बैठे रहो, अच्छा लग रहा तुमको ऐसे बैठे देखते हुए। मम्मी मेरे को नया कवर लेना है, मार्केट चलो, ये देखो सारे बटन टूट गए इसके। मामा को दो और जाओ। नहीं अभी आप जा रहे हैं ना बाहर। ए मामा क्या कर रहे हैं? सो गए। मामा कल भी सोया था, मामा आज भी सो रहा, और मामा भविष्य में भी सोता ही रहेगा, मामा को और कुछ काम नहीं है। पता है मस्त उड़ के सोया है मामा एकदम ठंड में। अरे यार तो मामा को भी काम है। सोने दो ना, उसके ऐश करने के दिन है। हाँ। मामा के ऐश करने के दिन है, सोते सोते। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे हमको सलून में छोड़ दो। बेकार लोगों बैठे रहो। अरे पापा हम भी चल रहे, रुको। मम्मी ये मेरी प्रीति मम्मी, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। चलो जल्दी से, नहीं तो पापा निकल जाएंगे हमको इधर ही छोड़ के। बाल मस्त लग रहा है आज आपके। चलो अभी देखो मेरा है ना सारा सामान गाड़ी में होता है। ये देखो, ये रही मेरी पर्स, और ये रहे मेरे शूज, और अगर मुझे ना हील्स चाहिए होगी ना तो हील्स भी रहती है। देखा सारा सामान तो गाड़ी में ही रहता है मेरा, मेरे को बस घर से निकल के, थैंक यू, घर से निकल के गाड़ी में बैठना होता है।
लेकिन तुम जा रहे कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा। सैलून बोला ना मम्मी ने आपको, आपको बताया तो है। बट मेरे को एक बात बताओ, आप कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा और सलून जा रहे, बाल वाल कट नहीं करने का मैं पहले बता दे रहा, हेयर कट फिर कट करने का नहीं है। मैं पहले बोला इसको अभी थोड़ी देर पहले ही किया ना, हेयर कट नहीं कराने का है, बाकी तुमको स्पा भी वो क्या करने का है वो बाल का कर लो, लेकिन हेयर कट करने का नहीं। हेयर कट तो नहीं बोल रहे पापा, हेयर कट मेरे को नहीं चाहिए। ओ सब जाने दो, इसका एप्पल का लैपटॉप का क्या हुआ? अरे अभी नहीं मिला उस दिन तो मैं क्या करूँ फिर? कैसे क्या नहीं मिला, मिलना चाहिए था। अब नहीं मिला तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्या घर पे बना के दूँ उसको? जल्दी से देखो उसका क्या है। मुंह मत बना तू। पापा मेरे को चाहिए ना लैपटॉप एप्पल का। उसके काम की चीज मांग रही ना वो, फालतू वेस्टेज चीज थोड़ी मांग रही कुछ। देखेंगे अभी जब अवेलेबल होगा कभी देखेंगे एक आध महीने बाद। पापा चलो हम जा रहे हैं, हम नहीं कराएंगे हेयर कट। हेयर कट नहीं करने पहले बोल दे रहा मैं, हाँ जाओ जल्दी। क्या यार पापा ने तो है ना हेयर कट कराने से ना सीधा मना कर दिया, सीधा ना बोल दे, अब देखते हैं थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह करा लेंगे। तो वैसे तो हम दो दिन पहले ही गए थे लैपटॉप देखने के लिए, उस दिन वो जो मॉडल हमको चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसी दिन ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इनको बताया नहीं मैं। क्या है कुछ तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए, इसलिए अभी उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और आज मैं ना वही जा रहा था लैपटॉप लेने के लिए इनका। मम्मी पापा ने हेयर ट्रिम करने के लिए मना किया है, पर मम्मी तो बोल रही है करने के लिए, लेकिन ठीक है थोड़े से हेयर ट्रिम तो करनी चाहिए ना यार, तभी तो हेयर बढ़ेंगे ना। तो अभी स्टोर पे ना वो लैपटॉप आ गया है जो मैंने मतलब बोला था उनको, तो अभी वो अवेलेबल हो गया है, तो अभी बस जाके लेके आने का है और फिर इसको देंगे सरप्राइज। तो अकेले जाने के बजाय जोड़ीदार को भी साथ में लेके जाएंगे। ये कैसे लग रही है देखो, ये शक्तिमान में ऐसे ही रहता है ना, तभी हेयर वॉश हो गया, हेयर स्पा कराने, और मम्मी बोल रही है नीचे से ना थोड़े से बाल क्रीम भी कराने, क्योंकि क्या है ये नीचे के बाल है ना बहुत डैमेज हो जाते हैं इसलिए। पर पापा, पापा को मैं संभाल लूंगी। ठीक है चलेगा फिर। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि आप भी थोड़ा सा है ना ट्रिम करा लो अपने बाल, तो मम्मी भी अपनी हेयर कट करने वाली है, ज्यादा मैं ट्रिम कराना, वैसे भी आपके बाल बहुत छोटे हैं। अभी कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत सही लग रहा है अभी, अभी बस है ना हेयर वॉश करना बाकी है। अंधेरा कायम रहे। मम्मी चेयर्स, आप तो चाय नहीं पीते ना? पी रही होगी चेयर्स। कावे बोल रहे थे उसको ये वाला चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल ये है, तो जब उसको दिलाना ही है तो अच्छा दिलाएंगे, है कि नहीं? आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मम्मी ने चाय छोड़ दी है, द चाय लवर की गैंग लीडर, उन्होंने चाय छोड़ दी है। अभी है ना मम्मी सिर्फ ग्रीन टी पीती है, 3-4 टाइम ग्रीन टी पीती है, क्योंकि उनको वेट लॉस करना है इसीलिए। लेकिन मैं तो ठहरी चाय लवर, आज मैंने ना मम्मी के कहने पे ग्रीन टी पी थी और चाय नहीं पी, इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा था। देखो मम्मी ने ना उनका हेयर कट कराया ना, तो मम्मी सेम पहले की जैसे और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। वैसे तो मेरी मम्मी क्यूट है ही है, लेकिन और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। ऐसे लग रहा ना मेरी उम्र कम लग रही बाल कट करने से, और ज्यादा कम लग रही है अभी, आप मेरी है ना और छोटी बहन लग रही हो। अरे देखना भी नहीं, सच बोल रही हूँ मैं पप्पा से भी आपकी तारीफ कराऊंगी, और पप्पा इस बार आपकी तारीफ करेंगे।
क्योंकि पापा का रिएक्शन देखेंगे, उनको तो मैंने बताया भी नहीं था मैं बात करना। अरे हाँ, पापा ने स्ट्रिक्टली ना बोला था, मैं जब उतर रही थी तब भी ना बोल रहे थे पापा। बताओ कैसे हेयर कट करना है? मुझे है ना मम्मी का हेयर कट इतना अच्छा लगा तो मैंने इनको बोला कि मुझे सेम मम्मी के जैसे हेयर कट करना है, बट समझना नहीं चाहिए कि हेयर कट हुआ है। और फ्रंट में जो है ईयर टू ईयर सेक्शन में थोड़े शॉर्ट करेंगे। हाँ। और फ्रंट में थोड़े फ्लिक्स देंगे, लाइट फ्लिक्स देंगे, और ईयर टू ईयर सेक्शन में ही हेयर कट करेंगे। पीछे अपने को लॉन्ग रखना है तो इसलिए पीछे ज़्यादा कट नहीं करेंगे, ओनली ट्रिम करेंगे। ओपन एक फैन मिला, क्या नाम तुझा? अवनीश। अवनीश हाय। हाय। अच्छा लगा मिलके तेरे से। हाँ, मुझे बहुत लाइक को मिलना था। अरे शाबाश। कुछ भी करोगे आप अगर काव्या का नाम लेके आओगे तो आपको 10% ऑफ हमारी तरफ से हम देंगे। तो अभी हम लोग है ना घर पर जा रहे हैं, देखते हैं पापा के रिएक्शन मेरा हेयर कट देख के। ऐसे लग रहा है कि मैंने हेयर कट किया है, बस सामने का ही हेयर कट हुआ है। ठीक है, चलो घर पर। सो फाइनली हमने ना एप्पल का लैपटॉप ले लिया। काव्या बहुत दिन से डिमांड कर रही थी, लेकिन क्या अभी रिजल्ट अच्छा आ गया तो लेना तो जरूरी ही था, तो उसके लिए ले लिया हमने। और अभी हो गया एक तो बहुत लेट, फोन आया था अभी तो मैं बोला मामा को बुला लो और चले जाओ, सलून पे पिक करने जाना था ना उसको। और अभी मेरे को घर पे पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, अभी उनको फिर सरप्राइज कब मिलेगा, खाना वाना खा के वो सोने के तैयारी में रहेंगे। ए जी, पापा है क्या घर पे? ए क्यों रे, कौन है ना वो हेयर कट करके आया, अभी मैं ये बैलेंस उसको फटके ही देता मैं। नहीं है क्या यार, मैं इतना खुश होके आई कि मैं पापा को अपना ना हेयर कट दिखाऊंगी, लेकिन पापा घर पर ही नहीं है। और मैंने अभी पापा को फोन किया ना तो पापा बाहर ही है उनके काम से, उनको ना घर आने के लिए लेट हो जाएगा। शिट यार, अब एक काम करते हैं, अभी मैं ना जल्दी से खाना खा के सो जाती हूँ, फिर है ना कल सुबह मैं पापा को अपना हेयर कट दिखाऊंगी और फर्स्ट रिएक्शन मैं ना कैप्चर करूंगी पापा कैसे रिएक्ट करते हैं।
ऐसे कैमरा पकड़ के ऐसा दो सेकंड के लिए ऐसा दो वर्ड बोलना भी इतना मुश्किल है, कैसे काव्य कर लेते क्या मालूम। मैं तो ऐसा थोड़ा सा बोल भी नहीं पा रहा, एकदम ऐसा फ्लुएंटली बात कर लेती और हम यहाँ पे इतनी दुनिया भर की बातें करते रहते, लेकिन है ना दो वर्ड अपने को बोलने नहीं आ रहा इसमें। जैसे कैमरा चालू हो जाता बोलती बंद हो जाती। 11:30 बज रहे, जल्दी से लिख। पापा आ गए। हाँ दिब्बू, पापा आ गए, तेको हेयर कट दिखाने का था ना। बहुत लेट हो गया आने के लिए। रात के 11 बजे तू क्या कर रहा? पापा मेरे को क्या लगा चोर आ रहा, तो मैं ना चोर का वेलकम करने के लिए ऐसा उठ के बैठ गया। जैसे ऐसे चोर ऐसे दरवाजा खोल के अंदर आता तो मैं उसको बोलता धप्पा, मैंने तेरे को पकड़ लिया। लेकिन पापा वो चोर नहीं, वो तुम थे चोर नहीं आया, नहीं तभी मैंने उसको एक पत्थर फेंक के मारने वाला था। दीवा के जैसे। हाँ कब से सो गए? आपको हेयर कट दिखाने के लिए मेरे को बोल के रखा था कि मम्मी पापा आएंगे तो कैमरा चालू करके रखना, मैं पापा का रिएक्शन लूंगी, उसने हेयर कट किया है तो। ये इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए भाई इसमें क्या है? लीटा। क्या है? लीटा। क्या है? क्या है? हे लैपटॉप थोड़ी रहता है इतनी स्पेस में। सदर इसको हम सरप्राइज देंगे, ठीक है? कल तू स्कूल मत जा। कल संडे। सुबह 10:30 बजे। चलो उसका सरप्राइज का टाइम हो गया अभी। वो भी आपको एक सरप्राइज देने वाली है। क्या? अभी उससे ही देख लो। कहाँ पे? है बालकनी में। छुपा पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो रात को मैंने ना पापा का इतना वेट किया कि पापा कब आएंगे और कब मैं पापा को अपना हेयर कट दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने ना पापा को रात को है ना अपना हेयर कट ही नहीं दिखाया। और अभी भी है ना जब मैं उठी ना तो मैंने ना फटाफट बाल ना ऐसे ऊपर बांध लिए ताकि पापा को समझ में नहीं आए कि मैंने हेयर कट किया है। तो अभी टाइम आ गया है पापा को मेरा हेयर कट दिखाने का। चलो बुला उसका वाला। इधर आ, तेरे को एक सरप्राइज देने वाला है। मैं अभी तू कौन सा सरप्राइज दे रही है? काट दिया ना बाल? Yes, पापा, बताओ कैसे लग रहा है मेरा हेयर कट? मतलब छाट दिया पूरे बाल ऐसे? ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे स्टाइल। हेयर कट बोलते हैं उसको। हाँ, हेयर कट, छाट। ये मेरे को सीधे ये समझ में आ रहा है, ये बाल है और अब ये ना सिर्फ इतने से बाल है, ये यानी कि ये इतने जो लंबे यहाँ तक पूरे बाल थे ऐसे उसको काट दिया ऐसे सीधे। कट करना पड़ता है ऐसे? नहीं, ऐसे थोड़ा सा लुक चेंज करना पड़ता है पापा। अभी देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ और मेरे बाल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो स्प्लिट एंड्स भी चले गए। ठीक है चल। हाँ बहुत अच्छे लग रहे। चलो सच में? हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। पापा को पसंद आया मेरा हेयर कट? और मम्मी का बताओ? तूने भी काट दिया बाल? क्या मजा आता है तुमको बाल काटने? हर महीने जाके बाल काट के आते? मजा आता है पापा। अच्छा लगता है, लुक चेंज होता है तो और अच्छा लगता है और बाल हल्के हो जाते हैं थोड़े। हाँ चलो अब आप अपना सरप्राइज दो मेरे को। क्या है सरप्राइज? बाल बाल कट कर देना, हो गया सरप्राइज। नहीं 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 मम्मी, ऐसे नहीं होता है। पापा ने बोला था कि है ना तू तेरा सरप्राइज दिखा पहले। तेरे मोबाइल के लिए न्यू कवर। वाओ कितना अच्छा कवर है ये। मेरे को लगा लैपटॉप है उसमें। दिखा कैसे? कितना मस्त है ये। ये देखो अच्छा है ना? तो बस पापा यही है सरप्राइज। फिर और क्या चाहिए? तो ये कवर ही सरप्राइज था। फिर ये क्या बात हुई? मेरे को लगा कुछ बड़ा सा
कोई कवर सरप्राइज मुझे। ए वैसे बताओ तो ये कवर अच्छा है कि नहीं? ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर है ना, अच्छे लगते हैं मुझे भी। ये देखो, और ये सीज को ये भी है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, ये रबर भी है ना, कवर रह गई। हाँ तो चिकू के हाथ से गिरेगा तो टूटेगा नहीं। हाँ क्योंकि क्या है, चिकू के पास ही रहता है मेरा मोबाइल, वो मोबाइल देख के बैठता है ना, तो गिरेगा तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा। बहुत अच्छा है ये कवर। कौन खोलेगा इसको अभी? कल सारा तो फिर खोखा उसका तू ही खोल उसको। हाँ ठीक है, मैं इस साइड से बैठती हूँ। आजा कृष्णा। वो लैपटॉप के ऊपर तेरा ही हक है, तू ही खोल उसको। चल। गणपति बप्पा मोरिया। बच्चे खोलो। खोल। खोल दो। खोलो। वन टू थ्री। मैं अपना ड्रीम लैपटॉप देखने वाली हूँ अभी। हाँ निकालना। वाव कितना अच्छा है ना, मस्त। मैं ऐसे हाथ में लैपटॉप लेके घूमूंगी। वाव वो देखो, अपने आप चालू भी हो गया। हाँ ये देखो, चालू भी हो गया ये तो। चलो अभी इसको है ना ऑन होने के बाद देखते हैं। तो जब गिफ्ट दिया।
रोने क्या हो गया उसमें भी? पापा ना मेरा हर सपना पूरा करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना सिर्फ मांगू और पापा ना अलग दे दे। चल ना अब उसे चालू कर उसको, चल चल। रोने क्या हो गया इसको? खुशी क्या से है उसकी? अरे कुछ नहीं, आप भी चालू करो। चलो तो दिखाओ मेरे हाथ में। हाँ तो मम्मी के हाथ में। अरे टेंशन लो, मैंने इसका इंश्योरेंस भी ले लिया। तो अभी इसके ऊपर किस किस का फिंगरप्रिंट है? नहीं कुछ जा, तेरा नहीं। अच्छा ठीक है, लगा था पापा उसका भी। पहले सबसे पहले रहेगा काले का। अरे ये लगाना ऐसे अंगूठा क्या है? हाँ चल लगा। हो गया। मेरा भी फिंगर रहेगा ताकि मेरी नजर रहे तुम पे। ठीक है चलेगा पापा। तुम तुम्हारे मैकबुक में क्या क्या देखते, क्या क्या करते? ये अभी नया आइटम क्या आया है अपने घर के अंदर, अभी है ना मेरे को भी इसके अंदर मोटा छोटा सारे हत्ती दिख रहे हैं इसके अंदर। अच्छा होगा तुमने लेके आया, अभी मैं अभी इसे मोबाइल में देखता था, अभी कंप्यूटर में देखूंगा। अब तेरा बच्चे क्या मम्मी का पहले? मेरा लगा। अच्छा लाओ तो पापा मेरा लैपटॉप देखो। फाइनली मुझे मेरा मैकबुक प्रो मिल गया जिसके मैं सपने देखा करती थी कि काश यार मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप होता। वो मिल गया फाइनली। यार देखो ना अब फाइनली मेरे पास भी मैकबुक प्रो है। मतलब मेरा है ना ये ड्रीम लैपटॉप था कि है ना मेरे पास भी है ना एप्पल का लैपटॉप हो। मतलब जब मेरे यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो 300-400 के हो गए थे ना मेरे, मुझे है ना तभी से ये लैपटॉप चाहिए था। यार मैं अगर तब भी पापा को बोलती ना कि मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए तो पापा मुझे तब भी दिला देते एप्पल का लैपटॉप। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ना कुछ करके दिखाऊंगी और फिर ही एप्पल का लैपटॉप मांगूंगी। यार आजकल है ना जिसके पास देखो उसके पास एप्पल का लैपटॉप है, जिसके 300K 400K 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उन सब के पास एप्पल का लैपटॉप है। तो फिर मैंने तब सोचा कि मैं ना सबसे पहले कुछ करके दिखाऊंगी, एकदम बड़ी बन जाऊंगी। और आज जब मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं तब मैंने ये मैकबुक लिया है। मतलब यार देखो ना जब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं तब मेरी औकात हुई एप्पल का लैपटॉप लेने की। मैं अगर पहले भी पापा मम्मी दोनों को किसी को भी बोलती ना कि मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए एडिटिंग वगैरह करने के लिए तो कोई मुझे मना नहीं करता, मुझे तब भी लैपटॉप मिल जाता। लेकिन मैंने मन में सोचा कि मैं ना सबसे पहले इन सबको कुछ करके दिखाऊंगी। आज मैंने ना 10 मिलियन होने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर, अभी 10 मिलियन हो जाएंगे कुछ दिनों में, तब आया है मेरे पास ये एप्पल का लैपटॉप। लेकिन कोई बात नहीं यार, जो भी होता है जिस टाइम पे भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। मुझे ना अभी बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास भी एप्पल का लैपटॉप है। सिर्फ एक मैकबुक लेने के लिए मुझे 5 साल लग गए। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा है। बिंदास काव्य वो डायमंड है जो अभी घिस रहा है और जो ज्यादा घिसता है वही कोहिनूर बनता है। तुम्हारा सपना तो भगवान भी पूरा करेंगे, सपना तो देखो। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।